हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। तो दोस्तों, हम आपको बता दूं कि नारायणपुर की जो पशु बाज़ार है वो भी खुलने वाली ही है, जो कि प्रबंधक महोदय से मैंने बात की है। दो तीन दिन पहले बात मैंने फ़ोन लगाया था तो उन्होंने बताया है कि इस महीने में ही 15 तारीख को जो कि आपकी जो बाज़ार लगने वाला है खुलेगा। आशा में है वो भी कि बाज़ार खुल जाएगा, आदेश हो जाएगा तो खुल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही बाज़ार खुलेगा तुरंत मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, हम आए हैं यहाँ पे, जो कि देखिए पीछे भैंस चल रही है और हम इनके जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। देखते हैं भैंस को कब चराते हैं और कब खिलाते हैं और दूध कितना देती है और ये सब भैंस कहाँ से खरीदते हैं, बेचते हैं, सब इनसे जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए चाचा जी बैठे हैं, जो कि इनसे पूछते हैं। तो हाँ बताइए, कितना भैंस लाए हैं? दो भैंस हैं हमारे पास। अच्छा, दो भैंस हैं। हाँ। यहाँ पे कब लाते हैं चराने के लिए? अरे सुबह 7-8 बजे लाते हैं। 7 बजे लाते हैं? हाँ। उसके बाद कब यहाँ से ले जाते हैं? 5:30-6 बजे यहाँ से लेके जाते हैं घर पे। अच्छा, 5:30-6 बजे ले जाते हैं। हाँ। दूध देती है? हाँ, दूध देती है। दूध देती है इनकी भैंस, जो कि देखिए यहाँ पे चर रही है सब भैंसे। इसी में से दो भैंस इनका है, जो कि 6-7 बजे सुबह लाते हैं और फिर उसी टाइम शाम को लेकर जाते हैं। घर पर भी खिलाते हैं? हाँ, घर पे खिला देते हैं, थोड़ा बहुत खाती हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत खाती है घर पर। हाँ, दिन भर यहीं पर जब चरती है तो घर पर थोड़ा बहुत खाती है। ऐसे भैंस को खरीदते कहाँ से हैं? यहाँ नारायणपुर से खरीद के लाते हैं। अच्छा, यहीं पशु मंडी नारायणपुर से खरीद लेते हैं और बेचते भी वहीं पर है? वहीं पर बेचते भी हैं, नहीं कभी कभी गाँव पे भी बेच देते हैं। अच्छा, गाँव पे भी बेच देते हैं, जो कि यहीं पास में ही नारायणपुर पशु मंडी लगती है। यहीं पर ये भैंस को अपने खरीद भी लेते हैं और बेच भी देते हैं, जो कि अच्छी मंडी है पशु मंडी। आप जानते भी है नारायणपुर पशु मंडी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर जिले में है और बहुत बड़ी पशु मंडी लगती है, जो कि इस समय बंद चल रही है और खुलने ही वाली है। देखिए पूरा ग्राउंड है, जो कि भैंसें रोज यहाँ पे चरती हैं। लगभग 60-70 भैंस होंगी, जो कि देखिए सब लोग चराते हैं। और इधर आप देखिए दोस्तों, हरी हरी घासें खा रही हैं, जो कि डेली आती हैं यहाँ पे, उसके बाद शाम को फिर यहाँ से जाती हैं और एकदम मज़े से दिन भर बढ़िया हवा सब चीज़ मिलता है इनको और एकदम मज़े से हरी घास खाती हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पे है सब फील्ड, जो कि उधर एक झील भी है सामने और इधर पूरा खाली है। गांव दूर है यहाँ से काफ़ी। ये देखिए यहाँ चाचा खड़े हैं, इनसे पूछते हैं ये कितनी भैंस लाए हैं। डेली भैंस लाते हैं? डेली 300 दिन। 300 दिन? उसके बाद कब लाते हैं यहाँ पे? सुबह हम 6 बजे के बाद ले आते हैं, 7 बजे तक ले आते। अच्छा, 6-7 बजे तक। कितने भैंस लाए हैं आज फिलहाल? आज मैं मेरे पास 4 भैंस हैं। अच्छा, 4 भैंस। 4 भैंस डेली आती है? डेली आती है। उसके बाद फिर मतलब दूध भी देती हैं? नहीं, काफी नहीं, अभी दो पड़ेला हैं, एक पड़वा है, एक भैंस है। अच्छा अच्छा, वो भैंस काफी भाई, दूध कोई नहीं दे रही अभी। अच्छा, दूध नहीं दे रही? हाँ, 2 महीने बाद दूध देगी एक बार। उसके बाद यहाँ से जब ले आते हैं तो घर पे भी कुछ खिलाते हैं? वो दो हाउदी सानी खिलाते हैं। अच्छा, मतलब दो बार दाना वाना क्या खिलाते हैं? दाना खिलाते हैं, चोकर खली। अच्छा, जूठा पड़ोस को जूठा जाता है। हाँ। रोटी चावल। हाँ, वो घर के बगल में जो रहते हैं जो भी आता है सब देते हैं। हाँ। वो सब खिलाते हैं। आखिर वो सब बाहर छोड़ेंगे? बाजरा बोए हैं। अच्छा, बाजरा भी है? हाँ। पास में बाजरा भी है? नहीं, यही बाजरा, ये नहीं है वो पीछे। अच्छा, बाजरा पीछे। हाँ, ऐसे बाजरा, इधर पीछे बाजरा भी दिखाओ। हाँ, ये बाजरा है ये। हाँ, इधर देखिए यही बाजरा है जो कि आप देख रहे हैं। बाजरा पूरा बोया गया है और इसी तरह इनका भी बोया गया है, जो कि जब शाम को यहाँ से ले जाते हैं तो भैंस को अपने बाजरा खिलाते हैं। बाल के खिलाते हैं। दाना में क्या खिलाते हैं? दाने बता दिया, चोकर खली। अच्छा, और घर का जूठा फूठा। हाँ। ये ना होता है। अच्छा, तो मतलब भैंस को बेचते कहाँ से है? बेचते तो अभी तो मैं बेचा नहीं, खरीद के लाया हूँ नारायणपुर से। अच्छा, नारायणपुर पशु मंडी? हाँ, बस अभी बेचा तो नहीं। उसे नारायणपुर की जो पशु मंडी, वो कैसी है पशु मंडी? है अच्छी मतलब? है, बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत लंबी विशाल है, है। हाँ, देखा हूँ, नामी नामी भैंस जाती है। हाँ। वही तो पता चलता है गरीबी अमीरी, अमीर लोग जो भैंस ले जाते हैं। हाँ। हाथी बच्चा जैसे। हाँ।
जानता हूँ नारायणपुर बाजार लंबी चौड़ी है। अच्छा आप ये मतलब कितने दिन से काम कर रहे हैं ये जो भैंस चरा रहे हैं? हम 2 साल से। अच्छा 2 साल से, उसके पहले क्या कर रहे थे? पहले खेती बाड़ी कर रहे थे, पड़ोस को देखते देखते मैं भी भैंस रख लिया। आप पढ़े लिखे भी हैं? हाँ पढ़े हैं। कितना पढ़े हैं? जूनियर हाई स्कूल तक। देखिये जूनियर हाई स्कूल तक जो कि पढ़े हैं और 2 साल पहले खेती कर रहे थे, उसके बाद अब भैंस को पालने का काम जो कि कर रहे हैं और नारायणपुर पशु बाजार से भैंस को खरीदे हैं, और जो कि 4 भैंस है इनकी और ये डेली यहीं पे चराते हैं। हाँ अरे पूरी सीमा लंबा चौड़ा सूखा पड़ गया है, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ा हुआ लंबा सीमा है जहाँ वैसे सूखा पड़ा है। किसानों पे क्या बीत रही है? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ। हाँ खेती बाड़ी कुछ है नहीं, पशुओं के लिए चारा है बस एक समान एक साधन है और कोई साधन ना है। पशुओं के लिए खाली चारा बचा हुआ है जो कि बारिश की मार की वजह से सब किसान बेकार हो जा रहे हैं। तभी तो और चिरागा पड़ा हुआ है, दान में कुछ है नहीं। हाँ सब देखिए पशु चारण सिर्फ कर रहे हैं बस यही साधन, कोई साधन रह नहीं गया। अच्छा अब कोई साधन नहीं रह गया? कोई साधन नहीं। हाँ बारिश की अभाव की वजह से सिर्फ खेती एकदम बेकार हो गई, सिर्फ पशु चारण ही एकमात्र साधन रह गया। साधन है बस, उसके बाद एकदम सब बेकार हालत है किसानों की, बुरी हालत है, एकदम बुरी हालत है किसान। दोस्तों हमारे यहाँ किसानों की बहुत बेकार हालत है जो कि बारिश की वजह से सूखा पड़ने की वजह से हमारे किसानों की बहुत बुरी हालत हो गई है। सिर्फ पशुपालन ही एक साधन रह गया है जो कि आप चाचा जी बताए हैं। देखिए ये चाचा जी भी पहले खेती कर रहे थे 2 साल पहले, इस साल भी खेती किए हैं जो कि खेती की मार खाने की वजह से बारिश की अभाव की कमी देखने की वजह से भैंस को खरीद कर लाए हैं पशु बाजार नारायणपुर से 4 भैंस जो कि खरीद कर लाए हैं, क्योंकि खेती का कोई भी उपचार रह नहीं गया जो कि बारिश की वजह से सब सूखा पड़ गया। इसलिए इन्होंने सोचा कैसे जीवन यापन किया जाए, इसलिए भैंस को खरीद कर लाए हैं और इतना समय पशु चरा रहे हैं यहाँ पे, और सब लोग यहाँ पे पशु चरा रहे हैं। ये देखिए जो पीछे लड़के सब खड़े हैं ये सब भी पशु चराते हैं, और इधर देखिए बाजरा पीछे बोया गया है जो कि आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है वो बाजरा है, उसको भी शाम को काट के जब खिलाते हैं जब घर पर बांधते हैं, उसे दिन भर पशुएं यहाँ पे चढ़ती हैं जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा सिवान है। देखिए पीछे सब पशु हैं, और लोगों से हम बात करेंगे और उनकी क्या बात है, हम परेशानी सब कुछ आपको बताएंगे, चलिए उन सबसे भी मिलते हैं। दोस्तों देखिए पीछे सब भैंस चल रही हैं, देखिए एकदम, और इधर एक चाचा है इनसे पूछते हैं कि कितने लोग यहाँ पे भैंस डेली चराते हैं और कितनी भैंस चरती है, तो आप बताइए आपका नाम क्या? पहले पंचम सहनी। पंचम सहनी, कितने दिन से आप भैंस चरा रहे हैं यहाँ पे? लगभग चरा तो रहा हूँ 10-12 साल से। 10-12 साल से भैंस चरा रहे हैं यहाँ पे, और कितने लोग यहाँ पे चराते हैं डेली? कम से कम 15-16 लोग हैं। 15-16 लोग। भैंस कितनी है? हमारे तो 6 हैं। अच्छा आपकी 6 भैंस है। हाँ। और टोटल कितने यहाँ पे भैंस चरते हैं? कम से कम 85 भैंस हैं। अच्छा 85-90 भैंस, 80-85-90 भैंस जो भी है, और काफी मात्रा में यहाँ पे भैंस है। देखिए वहाँ पे भैंस चल रही है उधर, उसके बाद इधर भी भैंस है, उसके बाद इधर साइड में भी भैंस है, और छितर बितर भी आएंगे, उसके बाद अब जो कि शाम हो गया इसलिए भैंस जा रही है घर, और कुछ घर पे भी चली गई है। और जो चाची है ये भी चढ़ाती है? इनका 80 साल का उम्र है। अच्छा 80 साल का उम्र है इनका। हाँ 80 साल की उम्र में ये 3 बजे सुबह जाग जाती हैं, और उसके बाद जो है अपना सानी पानी भैंस को धोना गाड़ना बेचना सब कुछ इन्हीं करती। अच्छा इन्हीं करती है और कोई नहीं? अकेले? कितनी भैंस रखी है अकेले? 4 हैं इनको भी। अच्छा इनकी 4 भैंस है, जो कि देखिए 80 साल की उम्र में इतना स्ट्रगल कर रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अपने बल पे कर रही हैं, अपने बल पे मेहनत कर रही हैं, और आपको मैं देखिए पब्लिक में और लोग कितना मेहनत करते हैं गांव में, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सब चीज़। और मतलब फिर शाम के यहाँ पे सब चली जा रही हैं अपन? हाँ आप घर पे जाएंगी खाएंगी, उसके बाद सुबह जो है 6:30-7 बजे फिर आ जाएगी। अच्छा 6:30-7 बजे फिर? हाँ दूध गार करके अपना जो काम करना रहता है वो सब कर लेते हैं। अच्छा दूध यहाँ पे क्या रुपये लीटर आप लोग बेच रहे हैं? दूध इतने समय जो है 50 रुपये लीटर बिक रहा है। यहाँ पे 50 रुपये लीटर, जो कि देखिए यहाँ पे गाँव में दूध 50 रुपये लीटर बिक रहा है, और इतना मेहनत करने के बाद भी यहाँ पे दूध की सस्ती है। कुंटल भूसा 1000 रुपये कुंटल तो भूसा आई है, देखिए 1200 रुपया चोकर है, दूध का कुछ रेट नहीं है।
जिस हिसाब से बता रहे हैं उस हिसाब से दूध का कोई रेट नहीं है। 1200 रुपया चोकर बता रहे हैं, 1000 रुपया क्विंटल भूसा बता रहे हैं, उस हिसाब से इनका दूध का कोई भी फायदा निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे दूध की कीमत भी बहुत कम है एकदम, मानिए। और दूध भी एकदम यहाँ की बढ़िया क्वालिटी की निकलती है दूध, जो कि हरी हरी घास खाती है तो दूध भी अच्छी है। दूध तो अच्छी देती, खाने में भी स्वाद है। हाँ। दही वही भी, दही भी बनता है, चाची दही दूध दोनों साथ में बेचती है। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।